Let's improve English. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. जहाँ तक नजर जा सकती थी वहाँ लोग ही लोग थे जब हम ऐसा कहते हैं जहाँ तक नजर जा सकती है या जहाँ तक नजर जा सकती थी हम कह सकते हैं There were people as far as the eye could see. There were people as far as the eye could see. As far as the eye could see. जहाँ तक नजर जा सकती थी सिर्फ लोग ही लोग थे वहाँ पर Another example. His fields stretch out as far as the eye can see. As far as the eye can see. यानी जहाँ तक नजर जाती है उसके खेती खेत फैले हुए हैं मुझे उसने शादी करने के लिए राजी करवा लिया फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत कमाल का फ्रेज यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ ही प्रोवेल्ड ऑन मी टू गेट मैरिड ही प्रोवेल्ड ऑन मी और ही प्रोवेल्ड अपॉन मी टू गेट मैरिड वैन यू प्रोवेल्ड ऑन समन टू डू समथिंग इट मींस यू परसुएट दैट पर्सन टू डू समथिंग सो ही प्रोवेल्ड ऑन मी और अपॉन मी टू गेट मैरिड इट इज़ वेरी कॉमनली यूज इन पैसिव वॉइस लेट्स सी एग्जाम्पल आई वॉज प्रोवेल्ड अपॉन टू गेट मैरिड I was prevailed upon to get married. It means I was persuaded into getting married. I didn't want to do that, but I was prevailed upon to get married. It means I agreed to do that later. You prevail upon someone to do something. It means you persuade him or her to do something, which he or she probably doesn't want to do at first. Usse ulta bolke Mujhe panje mein Bina fisle जब इस तरह हम किसी को कहते हैं कि ऐसा करके दिखा तो तू करके दिखा मुझे इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे दिखा कैसे बोलेंगे शो मी नहीं ऐसा कहने से हमारा मतलब होता है कि हम सामने वाले को चैलेंज कर रहे हैं चुनौती दे रहे हैं तो फ्रेंड्स एक वर्ड है इंग्लिश में जो यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है आई डिफ़ाई यू टू टॉक बैक टू हिम आई डिफ़ाई यू मैं आपको डिफ़ाई करता हूँ यानी मैं चैलेंज करता हूँ बोल के तो दिखा उल्टा उससे पता चलेगा तुझे तो उससे उल्टा बोल के दिखा तो उससे उल्टा बोल के दिखा दो आई डिफ़ाई यू टू टॉक बैक टू हिम फ्रेंड्स टॉक बैक की जगह पर आप आंसर बैक भी कह सकते हैं मुझे पंजे में हरा के दिखा दो मतलब पंजा लड़ाएंगे हम हरा के दिखा दो मुझे आई डिफ़ाई यू टू डिफीट मी एट आर्म रेस्लिंग आई डिफ़ाई यू टू डिफीट मी एट आर्म रेस्लिंग पंजा लड़ाने को फ्रेंड्स आर्म रेस्लिंग कहते हैं उस प्रोसीजर को उस प्रोसेस को उस गेम को आर्म रेस्लिंग कहते हैं आई डिफाई यू टू डिफीट मी एट आर्म रेस्लिंग आई डिफ़ाई योर वॉक ओवर हेयर विदाउट स्लिपिंग जैसे कि वह जगह बहुत स्लिपरी है फिसलन वाली है तो मैं किसी को कह रहा हूँ चल के तो दिखाए यहाँ पे थू बिना फिसले चल के दिखा आई डिफ़ाई योर वॉक ओवर हेयर विदाउट स्लिपिंग सो वैन फ्रेंड्स जब भी आपको किसी को ऐसा कहना हो कि ऐसा करके तो दिखा दो आई चैलेंज यू तो आप ऐसे कह सकते हैं आई डिफाई यू इसे आप पास में भी यूज़ कर सकते हैं ही डिफाइड मी टू डिफीट हिम यानी उसने मुझे चुनौती दी उसने मुझसे कहा ऐसा कि मुझे हरा कर तो दिखा देन आई वॉज प्रोवोक्ड एंड आई डिड डू इट फ्रेंड्स डिफाई का मतलब ऑर्डर ना मानना भी होता है किसी की बात को ना सुनना भी होता है जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते कहाँ हैं अब फ्रेंड्स यही मैं आपको बताना चाहता हूँ सुनते कहाँ हैं अगर हम वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करें तो कहाँ का मतलब तो वेर होता है तो क्या इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में हमें इंग्लिश में वेर लगाना पड़ेगा कहते ही नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है आजकल के बच्चे माँ बाप की सुनते कहाँ हैं कहने का ये मतलब है कि नहीं सुनते हैं ये कहाँ तो हिंदी का स्टाइल है हम कहाँ को ऐसे भी यूज करते हैं दीज डेज चिल्ड्रन डोंट लिसन टू देर पेरेंट्स दीज डेज आजकल चिल्ड्रन डोंट लिसन टू देर पेरेंट्स तो फ्रेंड्स इस लिसन की जगह पर आप यूज कर सकते हैं डिफाई को चिल्ड्रन डिफाई देयर पेरेंट्स और चिल्ड्रन डिस ओबे दअ पेरेंट्स आप डिस भी कह सकते हैं और जो ऐसे लोग होते हैं जो सुनते नहीं हैं उनको क्या बोलेंगे दे आर डिसबीडियट इसी डिस डिसबे का दूसरा एक वो फॉर्म है वर्ड का डिसबीडियट समी इज़ डिसबीडियट मतलब वो सुनता नहीं है और उसका ऑपोजिट ऐसा जो कि सुनता है जो बात मानता है उसे क्या बोलेंगे अबीडियनट आपको शायद याद हो कि स्कूल टाइम में जब हम लेटर्स लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ना आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम सुनील तो फ्रेंड्स लिखते हैं हम योर ओबीडियटली नेम समथिंग समथिंग चिल्ड्रन डिस ओबे दर पेरेंट्स और चिल्ड्रन डिफाई दियर पेरेंट्स मेरी मिन्नतों के बावजूद भी वो रुका नहीं मिन्नतें मतलब कि मेरी रिक्वेस्ट मेरी विनती के बावजूद मैंने विनती की मिन्नतें की फिर भी वो रुका नहीं डिस्पाइट माई एंट्री अपील प्ली और रिक्वेस्ट एंट्री अपील प्ली और रिक्वेस्ट ही डिट स्टे स्टे नहीं किया उसने फ्रेंड्स मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट को आप क्या क्या बोल सकते हैं मिन्नतें विनती को क्या बोल सकते हैं इंट्रीटी इंट्रीटी अपील प्ली और रिक्वेस्ट इन सभी का मतलब है विनती रिक्वेस्ट उसने मुझे झूठ बोलने के लिए पैसों का लालच दिया फ्रेंड्स इसे कैसे कह सकते हैं ही गेव मी मनी एज एन इंड्यूसमेंट टू मेक मी टेलर लाइ मुझसे झूठ बुलवाने के लिए ही गेव मी मनी एज एन इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लालच टेम्पटेशन जो आप किसी को देते हैं ताकि वो कुछ करें इंडियमेंट लालच ही गेव मी मनी एज एन इंडियमेंट टू मेक मी टेल अलाय टू मेक मी टेल अलाय यानी मुझसे झूठ बुलवाने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हैं ही ब्राइट मी विद मनी टू मेक मी टेल अलाय आप सिर्फ ब्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं मनी को उसमें इंक्लूड करने की भी जरूरत नहीं है ही ब्राइड मी इंटर टेलिंग अलाय ही ब्राइब मी इंटरटेलिंग अलाय यहाँ पर नेचुरली ब्राइब का मतलब पैसे ही किसी को देना हो सकता है कुछ भी दे सकते हैं रिश्वत में सो so ही telling मी lie यानी झूठ बोलने के लिए उसने मुझे रिश्वत दी सो फ्रेंड्स इंड्यूसमेंट का मतलब होता है किसी को लालच देने के लिए जब हम कुछ देते हैं तो उस चीज़ को इंड्यूसमेंट कहते हैं चाय फीकी है और बेस्वाद है इंग्लिश में कह सकते हैं द टी इज इनसेपिड एंड टेस्टलेस जी हाँ फ्रेंड्स इनसिपिड आप ऐसे फूड ऐसे खाने पीने की चीज़ को कह सकते हैं जो फीकी है बेस्वाद है इनसिपिड है आप इस वर्ड का यूज़ सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं जो कि बेरस है निरस है बोरिंग है पकाऊ है उबाऊ है जैसे द मूवी वॉज इनसिपिड द मूवी वॉज इनसिपिड मूवी इनसिपिड थी आप कह सकते हैं द पार्टी शुडन बी इनसिपिड चला तो जाऊंगा पार्टी में लेकिन पार्टी इंसिपिट नहीं होनी चाहिए द पार्टी शुडन बी इंसिपिट फ्रेंड्स एक और वर्ड हमारे पास होता है ब्लैंड आप ब्लैंड का भी यूज कर सकते हैं द टी इज ब्लैंड और द मूवी वॉज ब्लैंड मेरे दुख से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंग्लिश में इसे कह सकते हैं माई सोरो ड मैटर टू हिम माई सोरो डजन मैटर टू हिम यानी उसको मेरे दुख से तो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं इट डजेंट मैटर टू हिम फ्रेंड्स इसी को कहने का एक और भी अच्छा तरीका है He is indifferent to my sorrow. He is indifferent to my sorrow. Somebody is indifferent to something, it means he doesn't care about that. It doesn't matter to him. He is indifferent to it. He is indifferent to my sorrow. Iskamatlab, he doesn't care about my sorrow. My sorrow doesn't matter to him. Friends, is channel ko subscribe Sur Kardinagarabnay Bitaknehiato. And friends, I really hope that you are not indifferent to the line that I just said. Please subscribe to this channel if you haven't already. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye bye.